गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ स्टूडेंट्स, या यस्टरडे आई कुड नॉट ब्रिंग विथ बुक व्हाट एवर आई कुड नॉट आई मीन इट कि अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगॉट व्हिच बुक आई हैव टू स्टार्ट, दैट्स व्हाई आई हैड टॉट केमिस्ट्री. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन बायोलॉजी फ्रॉम वेयर वी वेयर देन फ्रॉम हियर वी स्टार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. As we know that we all are animals, so that what type of nutrition process are in us, are in animals. Now let's we have nutrition process. There are different steps in the process of nutrition in animals. Steps in the process of nutrition of animal. Nutrition in animals. There are mainly five steps in the process of nutrition in animals. पहला है इंजेक्शन, मतलब खाने को अंदर लेना, फिर उसको पचाना, फिर उसको एब्जॉर्ब करना, मतलब उपयोग में लाना, फिर उसका एसिमिलेट करना, और लास्ट में जितने भी वास्टेजेस हैं वो शरीर के बाहर करना. ये हुआ इंजेक्शन. तो ये कौन कौन से हैं? आइज, इंजेक्शन, उसके बाद है डाइजेशन, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद है एसिमिलेशन, अंत में है इजेशन, मतलब बाहर निकाल देना. नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज इजेशन. Ingestion, the process of taking food in the body. Is called the ingestion. शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं. इन मोस्ट सिंपल टर्म्स इंजेक्शन मींस ईटिंग ऑफ फूड बाय द एनिमल्स. When we put food into our mouth with hands, we are ingesting the food. In a very simple way,
eating food mouth to stomach. Is also known as reason. ठीक है बाबू, दूसरा प्रोसेस है उसी में सेकेंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब पाचन। The entire process in which food containing large इनसोल्युबल एंड सोल्युबल। कुछ ऐसे भोजन होते हैं बेटा जो पानी में इनसोल्युबल हो जाता है, और कुछ ऐसे होता है जो पानी में सोल्युबल नहीं होता है, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में बॉडी को। तो इनसोल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स। Small water soluble substances. Called the digestion। देखिए डाइजेशन की प्रक्रिया में होता क्या है कि जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें कुछ लिक्विड भी होता है और कुछ सॉलिड भी, उसको चबा चबा के हम लोग खाते हैं। फिर ये डिफरेंट स्टेप्स से मेटाबॉलिक फंक्शन से गुजरता है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन का सबसे पहला यूटिलाइजेशन यही है कि वो जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ हम लोग कर रहे हैं उसको डाइजेशन में ये सीधे तौर पर हमको काम आवे। मैं आपको कह सकता हूँ कि डाइजेशन इज द डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस या सॉलिड फूड। डाइजेशन मेक्स द फूड सॉल्युबल सो दैट इट कैन बी utilized by the animal is in body। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं digestion, आपको digestion of the solid food into water soluble molecules। I hope
आप सारे बच्चे सही से समझ रहे होंगे, सर इसमें प्रॉब्लम है। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो डाइजेशन का फंक्शन है, ये सारे तरह की डिजीज जो है हमारे डाइजेशन पर डिपेंड करता है। और मैं आप सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप 100% अगर आपका बॉडी डाइजेशन को सही रख लेता है तो आप बहुत ही, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होता है, जो हमारा कॉर्प्स है बॉडी में, वो इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए मैं आप सारे बच्चों को कहता हूँ कि यू ऑलवेज बी अवेयर, वॉश योर हैंड्स टाइम टू टाइम, एंड वेन एवर इफ यू टच एनी सब्सटेंस देन यू मस्ट वॉश योर हैंड्स विथ एनी सॉप फॉर 20 or 30 seconds एट लीस्ट। सो ड्यूरिंग दिस वन most animals use both physical and chemical methods for digesting, breaking up the large food molecules. Physical method include chewing and grinding the food in the mouth, and chemical methods include the addition of digestive juices, enzymes to food by the body itself. So these two physical methods, whatever in mouth whatever what we chew and grind the food, that is called the physical methods. Almost most animals use almost all animals use physical and chemical method digestion. Physical method, it means chewing and grinding. Food substances and then chemical method is applied by itself of the body in the stomach by releasing different enzymes as pepsin, which is used in the digestion of protein, trypsin, etc. And thus the entire metabolic functions, you can say
दिस इज द मेटाबॉलिक फंक्शन. Now after digestion, absorption is essential. Then what is absorption? Third point. The process in which the digested food passes through the intestinal wall into the bloodstream is called the absorption. मतलब जो खाना हम खाए वो पच गया और वो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बदल गया, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में. वो इंस्टेंट, मतलब जो इंस्टेंटाइन है हमारे जो आँख है उसके वाल से ये ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है और हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं. द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream. अब जब ये एब्जॉर्ब हो गया बेटा तो उसका एसिमिलेट करेंगे. ये एसिमिलेट होता कैसे है भाई? ये ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब फूड इनटू या टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द फूड देन इंटर्स ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ये जो फूड हम लोगों ने डाइजेस्ट किया ये शरीर के जितने भी सेल्स हैं वो सब में पहुंच जाता है और ये हमारे पास में जो मेटल्स हैं वो हमारे ग्रोथ सेल को ग्रोथ करना, फिर जो कुछ इंजर्ड सेल हैं उसको रिपेयर करना. इसका मतलब हुआ कि इंटायर मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है वो शुरू हो जाता है. तो आप हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द इन द बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड द एसिमिलेशन. मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, या आप कह सकते हैं ऑल सेल्स में ये पहुँच जाता है और सेल को जैसे ही एनर्जी मिलता है वो सेल अपना मेटाबॉलिक मतलब मायोसिस और मेटोसिस का फंक्शन शुरू कर देता है. उसमें ग्रोथ है जो उसके रिपेयर है या फिर मान लीजिए उसको एनर्जी प्रोवाइड करना है वो बन जाता है. जैसे एनर्जी की बात कर लें तो आगे हम लोग क्लास में इसी क्लास में पढ़ेंगे कि एनर्जी को किस तरह से वो एब्जॉर्ब करता है. तो एनर्जी में आपको एक प्रोसेस होता है, जैसे कि एक बार सेल में उसको एनर्जी मिल गया तो वो सेल जो है इस एनर्जी को ATP के फॉर्म में कलेक्ट करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. जिस वक्त हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं तब ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में टूट जाता है दो और एक के रूप में, और इस तरह से हम इसका यूज़ हमेशा करते रहते हैं. तो ये बेटा आपको एसिमिलेशन का फंक्शन हुआ. तो उसको हम एसिमिलेशन फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वो देख लीजिए.
the process in which the absorbed food which is taken to all parts of the body cells is used for energy growth and repair of the cell is known as assimilation. ठीक है, इसको एक बार फिर हम आपको बता दे रहे हैं. द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल बॉडी सेल्स आप जो कहिए यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल इज नॉन एज assimilation. The process in which used food as wastage is excreted from the body either in solid as stool liquid as urine and in gaseous form also is known as the ejection. One step has been cleared. Now in the next class, the process in which undigested food is removed from the body is called digestion. Simple way. In the next class, nutrition in amoeba, it means see nutrition in simple animals, you can say unicellular animals. And then after we will study more details in the nutrition in human beings. आप सारे बच्चे क्लास टेंथ के हैं और इसलिए ये मेरा हक बनता है कि आप सारे बच्चों को साइंस के अवेयरनेस से जागरूक करें. अब चूंकि लॉकडाउन 4 की स्थिति आ गई है तो मैं आपको 2-3 स्टेप्स बता रहा हूँ बेटा, सो सारे बच्चे आप लोग अच्छी तरह से लिख लें. एक है सोडियम हाइपोक्लोराइट,
इसका मॉलिकुलर फार्मूला हो गया NaOCl। ये जिस तरह से ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये केमिकल कंपाउंड है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड एक प्रकार से ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो इस वायरस को 6 से 10 सेकंड के अंदर मार देगा 100%। केमिस्ट से आप उनसे कहिए कि हमारे लिए एक सोडियम हाइपोक्लोराइड मंगवा दीजिए, जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसको करना पड़े 200-400-500 जो भी हो, उस हिसाब से ये आपको क्या होगा कि आप 100% आप सेफ रहेंगे। इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं से भी घर से बाहर कोई सामान लेकर के, घर से बाहर से जो कोई सामान लेकर अंदर आएंगे, चाहे वो गाड़ी पर बैठे हुए हों, चाहे वो, ये सारे तरह के फॉर्मेट्स हैं बेटा, और इन सारे फॉर्मेट्स को हमें बचाना है तो इस पर आपको इस तरह से जो है स्प्रे करना पड़ेगा। और ये सोडियम हाइपोक्लोराइड एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, इसको ही सैनिटाइज के लिए स्टैंडर्ड माना गया है। तो मैं आपको फिर से आगाह करूँगा कि आप लॉकडाउन को अच्छी तरह गंभीरता से लीजिए, और ख़ासकर जिस एरिया हम लोग रह रहे हैं ये एक प्रकार से रेड जोन एरिया है, ऑरेंज भी नहीं है, रेड जोन एरिया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ गए हैं। हैव अ नाइस डे।